सो हेलो गाइज, नमस्कार प्रणाम, कैसे हो आप लोग। आई होप सो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग खुद का डबल रोल कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डबल रोल का वीडियो बनाने के लिए बताऊंगा काइंड मास्टर से कि आप लोग डबल रोल का वीडियो काइंड मास्टर से कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसान है, मात्र आप लोगों को 20 से 30 सेकेंड के आसपास में लगेगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा पूरा देखिए, आप लोग जरूर समझ जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप लोगों से, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आगे चल के कोई भी वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आप लोगों को वैसा वीडियो एडिट करने के लिए आप लोगों को शूटिंग किस प्रकार से करना है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मैं शूटिंग किया हूँ वो वाला वीडियो ही आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये रहा वो वीडियो। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए मैंने किस प्रकार से शूटिंग किया है। सबसे पहले आप लोगों को एक तरफ से शूट कर लेना है और जो भी मतलब बोलना है वो बुलवा देना है। ऐसे मतलब अपने हाइट के बराबरी पे मतलब देख करके बोलना है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बस उधर जाओ। अब इधर से आप लोगों को वही शूटिंग कर लेना है जिस प्रकार से इधर से किए थे, देख सकते हैं जो उधर बोले थे उधर इसका जवाब इधर दे देना है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को वीडियो शूट कर लेना है। अब आइए मैं आप लोगों को इसी वीडियो को डबल रोल में एडिटिंग करके आप लोगों को दिखाता हूं। तो दोस्तों, अब आप लोग अपना काइंड मास्टर ओपन कर लीजिए। अगर आप लोगों के पास काइंड मास्टर नहीं होगा तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, ये रहा काइंड मास्टर का होम पेज। तो सिंपली आप लोगों को प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है साइज़ का, तो आप लोगों को फर्स्ट वाला साइज़ चूज कर लेना है क्योंकि यही यूट्यूब साइज़ है। इसको यूज़ करने के बाद सिंपली आप लोगों को ये जो मीडिया का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों को ये जो ये सभी आपके फाइल हैं, मतलब किस फाइल में आप क्या रखें वो तो आप ही को पता होगा। तो मैं सिंपली किस फाइल में रखा हूँ अपना रिकॉर्डिंग, इस फाइल में रखा हूँ तो मैं इस फाइल में चला जा रहा हूँ। आप लोग अपने फाइल में जा करके ले लीजिएगा। तो मेरा ये वाला वीडियो मैंने शूटिंग किया है वही वाला है, तो मैं ये वाला वीडियो ले ले रहा हूँ। इसको लेने के बाद सिंपली आप लोगों को इसको शुरू से कर देना है। अब इसको मतलब जैसे यहाँ तक आए मतलब वहाँ सबसे पहले आप लोग पहुँच जाइए। देखिए यहाँ से इधर का जो फालतू इधर शुरुआत का है वो हटा दीजिए, कैंची का आइकन पर क्लिक कीजिए और इधर वाला लेफ्ट साइड वाला हटा दीजिए। अब यहाँ से आइए, यहाँ पे जब पूरा बोल ले रहा है फिर वहाँ से कट कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे पूरा बोल चुका है, तो यहाँ से आप लोगों को कट कर देना है। अब यहाँ से कट करने के बाद सिंपली आप लोग फिर से आ जाना है। अब इस साइड से जो आ रहा है उसको ले लेना है। यहाँ से अब इसको भी मतलब लेफ्ट साइड वाला कट करके हटा देना है, तो कैंची के आइकन पे क्लिक कीजिए, इधर वाला हटा दीजिए। अब दोस्तों, सिंपली आप लोगों को करना ये है कि ये वाला जो दूसरा वाला वीडियो आप लोगों का है इसको नीचे वाले में ले लेना है, नीचे वाले लेयर में। तो सिंपली उसको वहाँ पे लेने के लिए आप लोगों को इसी लेयर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद जो डुप्लीकेट एस लेयर दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो ये नीचे आ जाएगा। और इसको शुरू से कर दीजिए जो नीचे वाला है, और ये जो ऊपर वाला है इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद इसको फालतू वाला अभी अभी रहने दीजिए। अब एक बार हम लोग इसी लेयर पे क्लिक कीजिए नीचे वाले पे, अब इसको आप लोग फुल साइज कर दीजिए। फुल साइज करने के बाद सिंपली आप लोगों को क्रॉप पे आ जाना है, जो कि क्रॉपिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आने के बाद इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको आधा जो है ना इसका कट कर देना है। अब एक बार हम लोग प्ले करके देखते हैं कि उतना पे आ गया है कि नहीं आया है। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये वीडियो काफ़ी अच्छा तैयार हो चुका है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो शूटिंग करते समय आप लोगों को स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी। बिना स्टैंड का अगर आप लोग शूटिंग करेंगे, जैसे कि अगर कैमरा थोड़ा सा भी हिला तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आप लोग किस हिसाब से एडिटिंग किए हैं। तो आप लोगों का कैमरा नहीं हिलना चाहिए, या स्टैंड पर या किसी मतलब जैसे साइकिल होता है उस पर मतलब रख करके टिकानी किसी चीज़ पर लगा करके आप लोगों को वीडियो शूट करना है। तो दोस्तों, आई होप सो कि आप लोग ये वीडियो समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आप लोगों को एडिट करना है, किस प्रकार से शूटिंग करना है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आगे भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आगे चल के कोई भी वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।